काजीरंगा भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिला में एक राष्ट्रीय पार्क है। ये एक विश्व विरासत स्थल है। इस पार्क में दुनिया के दो तिहाई एक सींग वाले गेंडे की संख्या है। मार्च 2015 में आयोजित जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में लगभग 2401 गेंडे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास कई आकर्षण हैं, जहां आप दो दिन के अंदर घूम सकते हैं। सोनितपुर जिला का उप प्रभागीय शहर गोहपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल काकोचांग झरना भी है, जो यात्रियों के आने के लिए एक दिलचस्प जगह है। अब प्रश्न यह कि काजीरंगा कैसे पहुंचे। चूंकि काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह मुख्य रूप से सड़क द्वारा आ सकते हैं। ये गुवाहाटी शहर से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आसपास के अन्य शहरों में तेजपुर, गोलाघाट है, जो राज्य के अन्य हिस्सों से जुड़े हैं। काजीरंगा भारी बारिश के लिए जाना जाता है। इसके कारण नेशनल पार्क हर साल कई महीनों के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहता है। उद्यान तीन अलग अलग जलवायु का अनुभव करता है, ग्रीष्मकाल, मानसून और सर्दियाँ। जहाँ गर्मियाँ शुष्क और हवा वाली होती हैं, वही मानसून अक्सर उद्यान में बाढ़ लाती है। सर्दियाँ अच्छी होती है और राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है।